वर्क्स। तो हम सभी जानते हैं इस यूनिवर्स में शुरू हुई हर चीज़ एक दिन यहीं रह जाएगी, या इसे इजी लैंग्वेज में बोलें तो यूनिवर्स में पैदा हुई हर चीज़ को एक दिन यहीं पे एंड हो जाना है। द थिंग डज नॉट मैटर इट्स साइज, चाहे वो चीज़ एक स्टार हो या चाहे वो एक ब्लैक होल या एक प्लैनेट हो या हम ह्यूमन से क्यों ना हो, एक न एक दिन सबका एंड हो ही जाना है। मौत एक बीमारी के जैसा है जो हम अपने जन्म के साथ लेकर आते हैं। वो अलग बात है कि किसी की एज ज़्यादा होती है तो किसी की कम, जैसे एक स्टार जो कि कई बिलियंस ऑफ ईयर तक लाइफ कर सकते हैं, वहीं हम ह्यूमंस कुछ सालों तक ही और कुछ मॉस्किटो जैसे क्रिएचर सिर्फ कुछ दिनों तक ही लाइव कर पाते हैं। लेकिन हम इंसान बाकी सभी क्रिएचर से बहुत अलग हैं, राइट? क्योंकि हम ह्यूमंस हमेशा से ही अमर होने की सोचते रहे हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हम ह्यूमंस का लाइफ स्पैन पीरियड को बढ़ा सकते हैं, और ऐसा सिर्फ पॉसिबल है साइंस के कारण। पिछले कुछ रिसर्चेज के अकॉर्डिंग ह्यूमन की एवरेज लाइफ पीरियड बढ़ती जा रही है, और एक कारण है मेडिकल साइंस में फील्ड में आया डेवलपमेंट। पिछले कुछ लगभग 150 से 200 साल पहले ह्यूमंस का डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, और इसका रीजन था बीमारियाँ, और छोटी से छोटी बीमारियों का सही इलाज ना मिल पाने से लोगों की बहुत कम एज में ही मौत हो जाया करती थी। लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में लाइव कर रहे हैं, और मेडिकल साइंस में तब से लेकर अब तक एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, और आज लगभग सभी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, और जिनका पॉसिबल नहीं है उनका आने वाले कुछ 10 या 12 साल तक पॉसिबल हो जाएगा। पर फिर भी एक क्वेश्चन है, क्या रियली में साइंस हम ह्यूमंस को इमोर्टल बना सकता है? वेल, इसका सीधा सीधा आंसर होगा नो, क्योंकि साइंस हमें केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए ही इमोर्टल बना सकता है। क्योंकि मान लो हम कोई ऐसा इन्वेंशन कर भी लिया जो ह्यूमंस को इमोर्टल कर भी दे, पर फिर भी हम केवल तब तक जिंदा हैं जब तक यूनिवर्स है। सोचने में थोड़ा अजीब ज़रूर है, पर यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। वेल, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो बताऊंगा कि इस सब से हमें कैसे खतरा है और ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करेगा। सो अब हम जानते हैं कि चाहे हम अमर भी हो जाएं, पर केवल कुछ ही टाइम के लिए। वेल, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम ह्यूमंस की एज को 500 टू 1000 ईयर्स तक बढ़ा सकते हैं, पर यह अभी पॉसिबल नहीं है। पर साइंटिस्ट का ये मानना है कि आने वाले सिर्फ 5 से 10 सालों में वो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज बना लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो बहुत ही जल्द हमें देखने मिलेंगी। तो पहली जो चीज़ है वो है इन्फ्यूजिंग यंग ब्लड टू ओल्ड। बेसिकली इसका सिर्फ अब तक रैट्स पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ है और रिजल्ट चौंका देने वाले थे। इसमें साइंटिस्ट ने यंग रैट्स का ब्लड ओल्ड मरने वाले रैट्स में लगातार चढ़ाया, और वे माउस पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गए और एक्टिव भी। उनका हार्ट, ब्रेन और मसल सभी पार्ट पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गए, और वो रैट्स अपनी औसतन उम्र से काफ़ी ज़्यादा समय तक जिंदा रहे। अभी तक ऐसा ह्यूमंस पे तो नहीं किया गया है, और ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है ज़्यादा टाइम तक जीने का। अगली जो टेक्नोलॉजी है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। फिलहाल ये आज के टाइम में सबसे बड़ी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी में आता है, जिस पर काफ़ी फंडिंग भी की जा रही है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगले 20 सालों में हम सुपर एडवांस नैनोबॉट्स डेवलप कर लेंगे, और ये हमारे शरीर के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स में लाखों की तादाद में ब्लड सेल्स की तरह, और उनसे ये बेहतर ढंग से काम करेंगे, और सभी ह्यूमन हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और आसानी से कंट्रोल भी कर लेंगे। साथ ही ये डैमेज सेल को भी हील करने में हेल्प करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये हमें ज़्यादा समय तक जवान रखेंगे। ऐसा होगा क्योंकि ये नैनोबॉट्स ऑल और नॉट वर्किंग सेल को या तो हील कर देंगे या रिमूव कर देंगे, तो उनकी जगह नए सेल्स ले सकते हैं जो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। और इस सब का इफ़ेक्ट होगा हमारी बॉडी, जो कि होगा बेसिकली हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाएंगे। अगली जो टेक्नोलॉजी आती है वो है ट्रांसजेनिक। साइंटिस्ट्स पहले भी कई बार दो अलग अलग प्लांट्स या एनिमल के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए दोनों की प्रॉपर्टी वाला तैयार कर चुके हैं, और इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। वेल, अर्थ पे कुछ ऐसे क्रिएचर भी हैं जो इमॉर्टल है, जैसे जेलीफिश। ये एक स्पीशी जो 1880 में डिस्कवर हुई थी। इसे केवल मारा जा सकता है, पर यह बूढ़ी होकर कभी नहीं मरती। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हम इसका डीएनए ह्यूमंस में मिला दें तो शायद ह्यूमन को बुढ़ापन नहीं आएगा, पर यह करना काफ़ी हद तक बहुत हार्ड होगा। कीप ऑन क्लोनिंग। फिलहाल मेडिकल साइंस इतना दूर ग्रो कर ही चुका है कि किसी ह्यूमन के खराब ऑर्गन को दूसरे ह्यूमन के ऑर्गन से बदल सके, पर इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है।
जैसे ऑर्गन देने वाली ह्यूमन का ब्लड ग्रुप और उसका पास्ट डिजीज रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ। पर कई बार पेशेंट की बॉडी न्यू ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो ह्यूमन की ऐसी कंडीशन में होता क्या है, उसकी डेथ हो जाती है। बट ऑर्गन क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, और साइंटिस्ट इस तरह के कई नमूने दिखा भी चुके हैं। इसका फायदा ये है कि क्लोनिंग पार्ट का पेशेंट की बॉडी से ही बने होने का कारण बॉडी उन पार्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसका टाइम टाइम पे करने से ह्यूमन की एज को बढ़ाया जा सकता है। अगली जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी साइंस फिक्शन जरूर है, पर ये पॉसिबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी बाकी टेक्निक से ज़्यादा है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हमेशा के लिए अमर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड तक भी पा सकते हैं। मैं बात करूँ डिजिटल इमोर्टैलिटी की, ये बहुत ही क्रेजफुल टेक्नोलॉजी है। साइंस में इसमें हम ह्यूमंस के ब्रेन का डाटा एक डिवाइस में डाउनलोड और अपलोड करके उसे अगर रोबोट में फिट कर दिया जाए तो हमारा ब्रेन वर्चुअली जिंदा रहेगा, तो ऐसा हम कर पाएंगे उस इंसान की बॉडी के मरने के बाद, जिससे वो ह्यूमन का ब्रेन उस रोबोट में जिंदा रहेगा और वर्चुअली इस वर्ल्ड को फील कर पाएगा। इन दिस कंडीशन वो सेंसर्स की हेल्प से वर्ल्ड को फील भी कर पाएगा, ऐसा करके वो ह्यूमन हजारों सालों तक अमर हो जाएगा। साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि तेजी से डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के कारण ह्यूमंस 2050 तक डिजिटल इमोर्टैलिटी जैसी टेक्निक डेवलप कर लेगा। सब कुछ सोचने में ही कितना अजीब लगता है, राइट? अभी तो हम ह्यूमंस ने स्टार्टिंग ही की है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की, और अभी शायद फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर पाएँ। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट कीजिए नीचे। तो ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।